हेलो गाइस, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे बिम्बेदका केव के बारे में। क्लास 11 फाइन आर्ट्स का टॉपिक है, तो हम बिम्बेदका के बारे में स्टडी करेंगे। तो गाइस, ये जो आपको आर्ट वर्क दिख रहा है, ये किसका आर्ट वर्क है? ये बिम्बेदका केव का आर्ट वर्क है। तो जो बिम्बेदका केव है उसमें इसी तरह के फिगर्स बने हुए हैं कि एनिमल हंट करता हुआ, रोरिंग एनिमल्स, ह्यूमंस के पिक्चर्स, अलग अलग तरह के एनिमल, फिश, हैन, गॉड, तो इस तरह के आपको इमेजेस देखने को मिलती है। कहाँ पे? बिम्बेदका केव के अंदर। जो बिम्बेदका केव है उनकी दीवारों पे इस तरह से ही एनिमल फिगर्स को, ह्यूमन फिगर्स को कार्व्ड करा गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो ये जो बिम्बेदका केव है, ये वॉल जो है वो बिम्बेदका केव मध्य प्रदेश में है। बिम्बेदका केव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एमपी में है। जो ये आर्टवर्क है इसमें कहीं ना कहीं एनिमल फिगर्स को सिंपल और लाइनर स्टाइल में दिखाया गया है और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज़ करे गए हैं। और जो एनिमल है वो इस सीन में रिदम में मूवमेंट उनकी दिखाई गई है डायनेमिक वेस की तरह। और जो एनिमल है वो कौन कौन से हैं? बुल है, डियर है, हॉर्स है, काउ है, गॉट है, बिसन है, राइनोसोरस है, तो इस तरह के एनिमल्स हैं। और उनके हॉर्न्स को भी दिखाया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। इस डिस्क्रिप्शन हम क्या लिख सकते हैं बिम्बेदका केव में? तो डिस्क्रिप्शन में हम ये लिख सकते हैं कि इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग टू रोरिंग फेस अ मैन होल्डिंग अ स्पीयर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ड्रामा। तो कहीं ना कहीं हमें एक ड्रामा की तरह देखने को मिलता है कि बीच में दो एनिमल्स हैं जो कि रोर कर रहे हैं एक मैन को, तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एक साइड में जो मैन है वो फुल्ली डिजाइंड है और पिकॉक भी इलस्ट्रेट करा गया है उसके अबव, और अंदर मैन के ऊपर क्या है, बर्ड दिखाया गया है कि किस तरह से बर्ड बैठी हुई है। दिस पेंटिंग रिफ्लेक्ट करती है प्री हिस्टोरिक आर्टिस्ट जहाँ जब अर्ली टाइम पे किस तरह से पीपल्स रहते थे और किस तरह से वो लोग केव्स में रहा करते थे। तो केव में उन्होंने जो कुछ भी देखा होगा नेचर में वही चीज़ वो ड्रॉ करते थे। डेली लाइफ में वो लोग हंट करते थे, तो हंटिंग वाली इमेज उन्होंने कार्व्ड करी है, ठीक है, उस वॉल पे। और ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल तरीके से है कहीं ना कहीं, और लाइनर और ज्योमेट्रिकल चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं। और किस तरह के मटेरियल्स यूज़ करे गए हैं इसमें? मैग्नीशियम है, हेमाटाइट है और वुडन चारकोल भी यूज़ किया गया है एक बेहतर रिसोर्सफुल आर्टिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एटलास बात करें कि इसमें क्या बताया गया है कि फ्यू लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट ने कन्वे करा है उसको इमोशंस आइडियाज की तरह। और जो इसका यूनिक फीचर है वो प्री हिस्टोरिक आर्टवर्क को डिफाइन करता है जो कि हमें बिम्बेदका केव में देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, थैंक यू। हम यहीं पर अपने ये सेशन ख़त्म करते हैं। इसी तरह से हम आपके लिए कम टाइम में हर टाइटल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में लिख सकें। बाय बाय।